बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। जो भी भाई ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, कारोबार में रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। तो आज मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह सरगोधा सालम मंडी में आपको मालूमात लेकर दूंगा। वो ये लेकर दूंगा जो आप कभी भी आपने नहीं सोचा होगा, ये इस तरह की मंडी तेज़ कैसे जा रही है। उससे पहले मैं अपने भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो दोस्त अब आप मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। आज का दिन जुमा है, जुमे वाले दिन सरगोधा सालम मंडी लगती है और डेट मैं आपको बताता चलूँ, 26 जून 2020 ये आज की डेट है, मैं अपने भाइयों को बता दूं। तो शुरू करते हैं मंडी के बारे। तो भाई मैं आपको ये बताता चलूँ, कल मैंने अपडेट दी थी डेरा गाजी खान कोर्ट छुट्टा की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ सरगोधा की। सरगोधा सालम मंडी की अपडेट ये है कि बछड़ों का रेट बहुत तेज़ जा रहा है, बहुत तेज़ है। मैं एक और आपको उसके रीज़न बता देता हूँ, असल वजह क्या चल रही है, क्यों बछड़ों का रेट इतना जा रहा है, इसकी क्या है वजह, मैं अपने भाइयों को बताना चाहूँगा। क्योंकि कुछ दोस्त अब जो पठान हैं, दोस्त है हमारे भाई भी हैं, वो रेट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मैं उनकी शिकवा या गिला नहीं कर रहा, वो हमारे भाई हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने इलाके में जब लेकर जाते हैं कराची में या पेशावर में, वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इधर से वो रेट जब ज़्यादा लगाता है, पंजाबी उतना लगा नहीं सकता, पंजाबी चुप कर बैठ जाता है। फिर जो बेचने वाला होता है, खरीदार देने वाला, तो वो ज़्यादा रेट मांगता है, खरीदार जो होता है वो पीछे हट जाता है। जैसे कि हम लोग छोटे फार्मर हो गए, बड़े फार्मरों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो कोई ना कोई तरीका आजमा लेता है। जैसा कि पेशावर में जो लेकर जाते हैं इधर से पंजाब से, जहाँ से मर्जी मंडी हो, लाहौर से हो या मुल्तान से हो, पेशावर की हो, पेशावर दूसरे सरगोधा सालम की हो, जो भी मंडी इधर लगती है, शेखपुरा की भी हो, जहाँ भी वो मंडी लगती है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि ये अभी भी रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है कुर्बानी के बछड़ों का, तो काफ़ी रेट मांग रहे हैं। तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, तो सोच समझ कर बछड़े लें, जल्दबाजी ना करना, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाज हमेशा मुंह के बाल ही गिरते हैं, तो आप ऐसे करते करते गिर ना जाना, तो रेट ज़्यादा ना ले जाना। तो आइए मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ। तो मेरा दोस्त और भाई भी है, तो उनके पास चलते हैं और वो आपको मालूमात देगा क्या है इसका प्रोसीजर। उससे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे दोस्त बाप है, वीडियो को कहीं स्किप मत करें और वीडियो को कम्प्लीट देखें। तो आइए इस भाई के पास चलते हैं और मालूमात हासिल करते हैं क्या रेट चल रहा है इस मंडी का। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की ख़रीदारी के अंदर ये जानवर कुछ लिए हैं अभी तक, ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी के साथ ले लेके बांध रहे हैं, दो तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सातवां बच्चा है।